छपरा के मांझी प्रखंड के मटियार के पास घाट पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। लगभग 10 लोग इस हादसा में लापता हो गए हैं, जिसमें 5 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया हादसे के बाद, और अब तक 3 शवों को बरामद किया गया है। रात हो गई है और इसलिए काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को ढूंढने में। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सभी लोग सरयू नदी के पार परोरा बुआई करके लौट रहे थे, तभी ये घटना घटी है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापता हुए हैं, डूबे हैं इस घाट में, उन्हें तलाश लिया जाए, उन्हें निकाल लिया जाए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अब तक बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छपरा की तस्वीर। मांझी प्रखंड के मटियार घाट के पास ये नाव हादसा हुआ है और ये लोग सवार थे जो सरयू नदी के पार गए थे खेती करने के लिए और वापस लौट रहे थे, उसी दौरान हादसे का शिकार हुए हैं। और इस बड़ी घटना में अब तक 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, 10 लोग अभी भी लापता हैं इस नदी में, इस घाट में, उनकी तलाश की जा रही है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन रात होने की वजह से रेस्क्यू काम में दिक्कतें आ रही हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर पटना ट्रैफिक रूट में बदलाव पुलिस ने किया है। पटना के ट्रैफिक रूट में यह बड़ा बदलाव करते हुए शहर के अंदर भारी वाहनों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आम लोगों के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक सुविधा बहाल की है। गांधी मैदान के अगल बगल ट्रैफिक पुलिस की टीम गश्त करेगी। शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र समारोह में 398 गाड़ियों से शिक्षक पहुंचेंगे। गांधी मैदान में पार्किंग की जगह बनाई गई है। सामानों के बेचने पर यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और गांधी मैदान को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। जी, कल के कार्यक्रम को लेकर के ट्रैफिक पुलिस पटना ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आज रात से ही हम लोगों का 3 थाना मोबाइल का गश्ती एवं 2 अन्य रेगुलेशन वाहन कार्यरत रहेंगे, जो कि जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, भीटा इत्यादि क्षेत्रों से आने वाले वाहन यदि कोई ख़राब हो जाते हैं उसको तुरंत सड़क से हटाया जाएगा, ताकि कल सुबह किसी तरीके का जाम न मिले। इसके अलावा हम लोगों ने पार्किंग प्लान किया है 2 एरिया में। मुख्यतः गांधी मैदान में 358 गाड़ी पास होंगी। जो गाड़ियां महात्मा गांधी सेतु से आ रही हैं या बख्तियारपुर फतुहा के रास्ते आ रही हैं पटना में, उनको हम लोग गांधी मैदान में पार्क करवा रहे हैं। इन गाड़ियों की संख्या है 358। इन गाड़ियों को हम लोग गोरिया टोली होते हुए भट्टाचार्य से लाएंगे। इसके अलावा जो गाड़ी भीटा की तरफ से आ रही है या फिर एम्स गोलंबर की तरफ से आ रही है, जेपी सेतु से आ रही है, उन गाड़ियों को गंगा मरीन ड्राइव पर पार्क कराया जाएगा। इनकी संख्या 345 है। कल के लिए हम लोगों ने ओल्ड बाईपास में पहले भी एडवाइजरी जारी की थी, किसी भी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का परिसंचालन नहीं होगा। गांधी मैदान के आसपास के एरिया हम लोगों ने कम्प्लीटली वेंडिंग जोन फ्री रखा है। इस एरिया में किसी भी गाड़ी को पार्क नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने सभी पटना के एंट्री पॉइंट भीटा, महात्मा गांधी, जेपी सेतु इत्यादि में क्रेन की व्यवस्था करी हुई है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को रंगदारी नहीं देने पर दियारा इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सैकड़ों राउंड गोलियां चली हैं। घटनास्थल से 16 खोखा बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 8 थाने की पुलिस 3 घंटे से 1 दर्जन इलाकों में सर्च ऑपरेशन की। सिटी SP अमित रंजन ने बताया कि राघोपुर दियारा में फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर 3 थाना अध्यक्ष नवगछिया की टीम, CID की टीम और बाजरा की टीम को वहां भेजा गया और फायरिंग का सत्यापन किया गया। गया में डेंगू के खिलाफ नगर निगम के द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। डेंगू मच्छर से निजात पाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों से शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं डेंगू मरीजों के लिए भी बड़ी राहत की बात है। वैसे डेंगू मरीज जिनके रक्त के अभाव में प्लेटलेट नहीं बन पाते और उनकी जान को खतरा हो जाता है, ऐसे मरीजों के लिए नगर निगम ने मानवीय तौर पर बड़ी पहल की है और ब्लड डोनेट कैंप लगाया, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य, कई पत्रकार समेत 55 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और ये ब्लड डोनेट करने का मकसद डेंगू से ग्रसित मरीजों को लाभ दिया जाना है। आज पूरे बिहार में
पहला ऐसा ही नगर निगम होगा जहां नगर निगम के पार्षदगण, कर्मचारीगण, यहां के मीडिया बंधु के द्वारा ये रक्त शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों गया वासियों लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से डेंगू का प्रकोप गया शहर में बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसमें प्लेटलेट कम हो रहा है, जिससे यहां से गया से रेफर करके पटना भेजा जा रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे गया शहर के अनेकों समाज सेवियों के द्वारा और नगर निगम ने खुद ही ठाना है, जिस तरह से गया शहर को कोरोना मुक्त किया था गया नगर निगम के द्वारा, सही पार्षदगण इसमें कड़ी मेहनत किए थे, उसके लिए इस बार हम लोग ने फिर संकल्प लिया है, जिसमें इससे भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग, सभी कौम के धर्म के जाति के लोग यहाँ खून डोनेट करने के लिए आए हैं। इसके लिए देश से ऊपर बढ़ करके देश जो आज विभाग हो रहा है उसको एक शिविर जो खून का डोनेट कैंप लगाया गया है वो एक मिसाल है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जाति पर से उठ करके ये कार्य कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, न उसमें देखा जाता है हिंदू भाई का है कि मुस्लिम भाई का है कि न सिख ईसाई भाई का है, सभी को सबसे पहला प्राथमिकता होता है कि उसका जान। गया में 25 अक्टूबर को नीमचक बथाने में संजय चौहान को पीट पीट कर अधमरा किए जाने और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने दो अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने एक ग्रेनेड और एक कट्टा बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि बरामद ग्रेनेड में और कट्टा में कारतूस लोड था। पकड़े गए में दो शातिरों में एक नीतीश का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है, जबकि प्रमोद कुमार का इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि 25 अक्टूबर को अपराधियों ने संजय चौहान को पीट पीट कर जख्मी किया था, इलाज चल रहा था और दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई थी। संबंधित थाने में पीड़ित पक्ष ने नामजद केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर में छापेमारी की, जहाँ से अवैध हथियार बरामद किए गए थे।